सुन एफएम पर दानिश सईद आपके साथ। हम आज बात करेंगे ये जो रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी और एक प्रोसेस चला और उस प्रोसेस के बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई, अदम एतमाद की तहरीक आ गई, वो कामयाब हो गई और उसके बाद जो साबका हुकूमत थी उस पर नई हुकूमत ने पूरा चेंज ओवर कर लिया, नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। लेकिन ये जो सारा प्रोसेस हो रहा था इसी दौरान में हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे अकाउंट्स और कुछ ऐसी चीज़ें एक्टिवेटेड हो गई कि जिन्होंने इस मौके का इस तरह से फ़ायदा उठाया जिसने हमारे ओवरऑल मोराल को डिस्टर्ब किया, हमें और हमारे इदारों को डिस्टर्ब किया, हमारे मुल्क की जो इमेज है, हमारी मुल्क की जो सालमियत है, हमारे मुल्क की जो इंटेग्रिटी है, यानी हम फ़ख्र करते हैं ना कुछ चीज़ों के ऊपर और जिन चीज़ों पर हम फ़ख्र करते हैं उनमें जो अव्वलीन है वो हमारी अपनी जो कौमी शनाख्त है और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर हम फ़ख्र करते हैं वो ये कि हम एक भरपूर दिफा के साथ चलते हैं और हमारी जो दिफाई सलाहियत है वो बहुत मजबूत है और जो हमारे इदारे हैं वो मजबूत हैं, हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है वो पाकिस्तान के लिए खिदमात दे रही है और जिन महाजों पर वो मौजूद हैं इस वक्त, तो हमें जेब नहीं देता कि ऐसी चीज़ों का हम हिस्सा बन जाएं कि जो हमारे मुल्क की ओवरऑल एक इंटेग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क बना दें। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इस वक्त अहमद कुरैशी जो कि बड़े ही नामवर जर्नलिस्ट भी हैं और इंटरनेशनल मीडिया में भी काफ़ी अरसा रहे, लिखते रहे, तो इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया भी देखा और पाकिस्तानी मीडिया में भी अरसे से अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अहमद कुरैशी साहब सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम सलाम दानिश भाई, ऑलवेज प्लेजर टू बी विद यू। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने भी देखा ये जो सिलसिला पूरा हुआ जिसकी थोड़ी सी मैंने तमहीद बांधी है, क्या कहीं आपने चूंकि मिडल ईस्ट में भी काफी अरसा गुजारा है और आपने इंटरनेशनल मीडिया को भी देखा है, क्या कहीं आपने इस तरह की कभी एक्टिविटीज होती देखी है? बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है दानिश भाई और हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी जो पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली हुई है जी वो इंतहाई शफाफ जी कानूनी दस्तूरी तरीके से हुई है जिससे दुनिया के कई में हम मीडिया मॉनिटर कर रहे थे जब ये हो रही थी चीज जी, तो बड़े लोग सरप्राइज्ड हुए कि पाकिस्तान में इदारे इतने मजबूत हैं, यानी कि अदलिया, पार्लियामेंट, हमारे सियासी जमातों के लीडरान, पूरा प्रोसेस जो है कि दूसरे ममालिक के अंदर जब इस तरह की क्राइसिस आई तो वो कलैप्स हो गए क्योंकि वहां पे इदारे मजबूत नहीं थे। लेकिन बजाय इसके कि कोई डेडलॉक हो जाता और खुदा ना खास्ता मामला सड़कों पे जाता जी, वहां हमने देखा कि पाकिस्तान में पुरमन तरीके से लोग घरों में थे और इदारों ने जिम्मेदारी संभाली। हम ये नोट कर रहे थे कि मिडल ईस्ट का मीडिया, इंडिया का मीडिया और दीगर दुनिया के बड़े प्लेजेंटली सरप्राइज थे वो। तकरीबन हमारा मुल्क जो है 230 मिलियन पॉपुलेशन से ज्यादा, यानी हमारा मुल्क है, मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानी जो है वो नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ चुके हैं। ये जो आपने बात की है ना कि सोशल मीडिया पे जो हुआ है ये समझ से बालातर है। जब से ये सोशल मीडिया शुरू हुआ है कहां पे दुनिया में इदारों के खिलाफ, यानी पाकिस्तान में जो चली है कैंपेन ये जो सोशल मीडिया पे, ये अदलिया के खिलाफ थी जी, ये सियासी जमातों के खिलाफ थी, फौज के खिलाफ थी, जी, exactly. तो ये इस तरह मुझे बताएं दुनिया में जहां सोशल मीडिया शुरू हुआ है, अमेरिका में शुरू हुआ था, सारी जो सोशल मीडिया कंपनीज है अमेरिका, अमेरिकन कंपनीज है, वहां पे ये कैंपेन कभी चली है? कभी भी नहीं। हमने तो बल्कि आप देखिए, बहुत अच्छा आपने जिक्र किया अमेरिका का, जब डोनाल्ड ट्रंप हारे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो हामी थे उनको इश्तियाल अंगेजी की, लेकिन उस दौरान में भी अमेरिका में कोई ऐसी कैंपेन नहीं चली जिसने अपने इंस्टीट्यूशंस को जो है वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया हो। बिल्कुल, ये और ये की पॉइंट है जिसे हर पाकिस्तानी को, चाहे हमारी पॉलिटिक्स या सियासी जमात या प्रेफरेंस जो भी हो, हमें इस पे फख्र करना चाहिए उसके ऊपर, जिस जिन जिन इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया गया इस सोशल मीडिया कैंपेन में, खुदा ना खास्ता ये कलैप्स हो जाए, अदलिया, सियासी जमातें, फौज, ये जो कैंपेन चलाई गई थी ये इनके इन सब के खिलाफ थी, अगर ये कलैप्स हो जाए, अगर ये कलैप्स हो जाए तो आप हम क्या दूसरा लीबिया और दूसरा शाम और दूसरा इराक बन जाएंगे? ये टारगेट है ये। और मैं हैरान हूं उन लोगों के ऊपर जो बैठे हुए हैं दूसरे ममालिक के अंदर, मिसाल के तौर पर अमरीका में या कैनेडा में कहीं और पे, चंद हैं
चंद हैं, हो सकता है ये जानबूझ के बीच में घुसे हुए हों, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी ने इनको कंडेम नहीं किया। ये लोग सोशल मीडिया पे आए और इन्होंने पाकिस्तान के रियासती दस्तावेज यानी आइडेंटिटी कार्ड या पासपोर्ट उसे वो जलाते हुए या उस तरह कर दिया। ये यानी इनके लिए इनकी सियासत जो भी है, सियासत सबका हक है कि वो किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट करें, ये हमारा राइट है, हर एक का राइट है। लेकिन ये जो हरकतें ये जो कर रहे थे, ये किसी ने की है? अमेरिका में किसी ने किया है? बरतानिया में किसी ने किया है? कहां पे ये होता है? हम ये दिखा रहे हैं दुनिया का, यानी ये जो सोशल मीडिया बैठे हुए हैं, जब इतनी अच्छी मिसाल हमने एज अ कॉम दुनिया में साबित कर दी कि कितनी स्मूथ ट्रांजिशन पाकिस्तान में, ये स्मूथ ट्रांजिशन जब होती है ये मगरबी ममालिक में होती है, जो पुरानी जमहूरियतें हैं वहां पे होती है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो तो कलाप्स हो जाती है, वहां तो अंदर खाना इंटेंसिटी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। अल्लाह का शुक्र है कि हम उस इंटेंसिटी को बर्दाश्त करने वाला मुल्क बन गए एक्चुअली। और जिन्होंने प्रोटेस्ट भी किया सड़कों पर, वो बाद में निकले, इतवार के दिन निकले थे, कल एक जलसा हुआ है पेशावर में, पुरअमन हुआ है, उनका हक है, वो काबिल है, उनको तारीफ करते हैं उनकी कि उन्होंने पुरअमन तरीके से अपना इजहार राय की बेहतरीन खूबसूरत, ये भी उन्होंने अच्छी मिसाल कायम कर दी, उनकी भी तारीफ हम कर लेते हैं। दिस इज एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ जो आपकी जमहूरियत है, उसकी ब्यूटी तो यही है ना एक्चुअली, कि जी आप अपनी राय का इजहार करें पुरअमन तरीके से, आप एहतजाज करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। अच्छा अहमद, अब यहां मैं ये जानना चाहूंगा, आपने चूंकि इंटरनेशनल मीडिया में भी काफी अर्सा सर्व किया है और दुनिया देखी है, इतना आजाद कहीं पर भी सोशल मीडिया को छोड़ा जाता है? बिल्कुल ऐसा कहीं भी नहीं है। और हमारे और आपने जो सऊदी और यूएई का जिक्र किया है, ये तो वो दो मुल्क हैं जो जहां पे सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है आउटसाइड पाकिस्तान, तो जो दो सब ममालिक जहां पे सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है पाकिस्तान के अलावा, वहां पे जो पाकिस्तानी रह रहे हैं, हम उनसे पूछते थे वो आए सोशल मीडिया पे या वीडियो बना के पोस्ट करें और बताएं हमें कि वहां पे क्या रूल्स हैं और रूल्स से कैसे चलते हैं। वहां पे भी कभी कभार वाकयात हो जाते हैं, कोई ड्रोन अटैक हुआ था अभी पिछले दिनों यूएई के अंदर, वहां पे सऊदीया में हुए थे, वो धमाके हो जाते हैं, कुछ ना कुछ चीजें हो जाती हैं, तो वहां पे क्या लोग इस तरह निकल के कोई वीडियो पोस्ट कर सकता है बगैर तहकीक किए हुए, बगैर या अफवाहें फैलाए? अफवाहें फैलाने के ऊपर कितना सख्त वहां पे कानून है। बरतानिया के अंदर क्वीन एलिजाबेथ के ऊपर आप ना ट्वीट कर सकते हैं, ना वीडियो बना के पोस्ट कर सकते हैं, ना तजिया कर सकते हैं, अगर वो हकायक या वेरीफाइड या उस पर मुद्दी ना हो। और वहां पे यानी तो आप सोचें फिर, यानी कि ये कहीं नहीं, अमेरिका के अंदर जो है, आपने भी इतनी खूबसूरत मिसाल दी, आपने इतनी अच्छी मिसाल दी कि वो जो हुआ था हमला कांग्रेस के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर उनके, तो उसके बाद वहां पे सियासत हुई, लेकिन वहां पे क्या किसी ने पार्लियामेंट के खिलाफ या उसके कोई ट्रेंड चलाए हो? इजहार राय हुए बहुत सारे ट्वीट्स हुई, सब कुछ हुआ होगा, लेकिन इस तरह ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन अमेरिकन सिस्टम और कंट्री मुल्क के इदारों के खिलाफ कहीं बिल्कुल नहीं हुआ। ये चीज इस पूरे अजीब गरीब सी एक्टिविटीज के अंदर मैंने देखा कि हमारा इतना अहम यानी तजुर्बा डाइल्यूट हो गया और लोगों ने अच्छा, बारे में उतना मैं खुश हो रहा हूँ कि आपने भी नोट किया ये। हाँ। हम भी बैठे हुए हम पीटीवी में थे उसी दिन या उससे अगले दिन, तो हम का कई सहाफी जो है ऑफिस में डिस्कस कर रहे थे कि पहली दफा हुआ है कि ये हुआ है टेस्ट इतना अहम और कहीं मीडिया में रजिस्टर ही नहीं हुआ। मुश्किल से कोई आधी टिकर शायद ही कहीं चली होगी क्योंकि कोई तवज्जो दे ही नहीं रहा था, तो सारा वो चले वो तो एक न्यूज का साइकिल होता है और उसमें वो, लेकिन ये अफसोस की बात भी है ना कि इतना अहम उस वक्त वो टेस्ट होना बहुत जरूरी, उसका साइंटिफिक या उसका वो तो अपनी जगह है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई ये समझ रहा था कि क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त कश्मकश थी सियासी, अगर कोई समझ रहा है कि पाकिस्तान का जो कमजोर है या तवज्जो नहीं है सिक्योरिटी पे, तो वो एक मैसेज था, तो वो मैसेज मीडिया पे आना चाहिए था, वो बिल्कुल गायब हो गया वो चीज, तो हमें इतना भी वो नहीं होना चाहिए, तो हमें ये भूलना, ये चीजें सामने रहनी चाहिए। हमें एक तजुर्बे से हम गुजर गए हैं, उम्मीद है कि हम इससे ये लेसन ड्रॉ कर लेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया दानिश भाई।
थैंक यू वेरी मच अहमद शुरक कुरैशी मेरे साथ मौजूद थे और ये अहम है बातें हैं जो डिस्कस होनी ज़रूरी है। आप भी जिस फोरम पे बैठते हैं बात कीजिए, लोगों को आगाही दीजिए। हमारी जो नेशनल इंटेग्रिटी है, हमारी सोवर्निटी है, वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, उसके आगे कुछ नहीं है। हमारे मुल्क का जो हमारे साथ एक शनाख्त है ना, लेबल लगा हुआ है कि हम पाकिस्तानी हैं, ये सबसे बड़ी हमारी पहचान है। और पाकिस्तान जो पाकिस्तान का दिफा है वो मजबूत है तो पाकिस्तान महफूज है। कोई भी कौम जब एक बनकर चलती है ना और अपने मुल्क के लिए अच्छी बात करती है, मजबूत बात करती है, तो ही वो कौम आगे बढ़ती है। तो हमने ये सबूत देना है और हमने अपना मोराल भी हाई रखना है, अपना जो दिफा है, हमारे जो दिफाई इदारे हैं उनका मोराल भी हाई रखना है, हमने जो अपना सिस्टम है उसका मोराल भी हाई रखना है। और उसके बाद कहीं जाकर आती है कि हमारी सियासी वाबस्तगी कहाँ है, किसके साथ है, कोई आपको पसंद होगा कोई नापसंद होगा, वो बिल्कुल ठीक है, वो एक जमहूरी अमल है और जमहूरी तरीक़ेकार है अपनी राय के इजहार का, वो होना चाहिए पूरा मन तरीके से और वो चलता रहेगा, वही ब्यूटी है जमहूरियत की। लेकिन उससे पहले बहुत सारे और भी चीज़ें हैं ना जो हमारे अंदर एक हमारे दिल में जो चीज़ें रहती हैं, तो हमारा दिलो दिमाग इस बात की गवाही नहीं देता कि हमें अपने मुल्क की सलामती के ऊपर कोई नेगेटिव टॉक करनी चाहिए। इसी बात के साथ इजाज़त दीजिए और यूँ ही सुनते रहिए सुनो एफएम रेडियो नेटवर्क।